तो यार वेलकम टू 135th एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। एंड भाई इस वीक कई अमेजिंग अपडेट्स आए हैं। ब्लैक पैंथर से रिलेटेड एक मेजर कंट्रोवर्सी भी है, हॉकाई के सेट से बहुत सारे फोटोज और वीडियोज भी हैं, तो कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले तो यार वंडर वुमन 1984 का अर्ली रिव्यू आ गया है, क्योंकि कुछ जगह इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग हो चुकी है। लगभग सारी रिव्यूज पॉजिटिव हैं, आप भी स्क्रीन पे देख सकते हो। इसे पिछले वंडर वुमन मूवी का डिजर्विंग सीक्वल बोला जा रहा है और कई लोग इसे पिछले मूवी से बेटर भी बोल रहे हैं। वैसे इंडिया में ये मूवी 25 दिसंबर को रिलीज हो रही है, तो हमें उस दिन तक वेट ही करना पड़ेगा। अब आते हैं चैडविक बोसमैन पे। तो 29 नवंबर को उनका बर्थडे था एंड इसी पे कई लोगों ने, इंक्लूडिंग मार्वल स्टूडियोज ने, उन्हें ट्रिब्यूट दिया। मार्क रफेलो ने इन्फिनिटी वॉर के सेट से उनका ये वीडियो रिलीज किया। उसके बाद उनके कॉस्ट्यूम टेस्ट के कुछ फोटोज भी शेयर किए गए। वैसे उनके बाद ब्लैक पैंथर 2 को लेकर फैंस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और लास्ट वीक एक कंट्रोवर्सी भी हो गई, जिस पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पहले कुछ नए पोस्टर्स देख लेते हैं बैटमैन के, जहाँ बैटमोबाइल के ये दो नए पोस्टर्स रिवील हुए हैं। अब आ जाते हैं हॉकाई के डिज्नी प्लस शो पे। तो यहाँ बहुत सारे नए सेट के फोटोज और वीडियोज आए हैं और ये भी अब कंफर्म हो गया है कि हेली स्टैनफील्ड ही केट बिशॉप का रोल कर रही हैं। बहुत दिनों से इसको लेकर कंफ्यूजन था। सबसे पहले तो ये कार का फोटो है जो कि मूवी में हॉकाई यूज करेगा, एंड सेम यही कार कॉमिक्स में भी यूज होता था। फिर ये वीडियो भी सामने आया है जहाँ हम हॉकाई और केट को एक साथ देख सकते हैं। यहाँ उसके पास एक डॉग है जैसा सेम कॉमिक्स में भी होता था। और इस वीडियो में ध्यान देने लायक ये भी है कि केट बिशॉप अपने बो एंड एरो के साथ है, तो मे बी उसकी ट्रेनिंग चल रही होगी या फिर वो दोनों साथ में किसी मिशन पे जा रहे होंगे। इसके बाद कुछ और डिफरेंट लोकेशन से भी इन दोनों के सेट फोटोज आए हैं जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। फिर कुछ और सेट के फोटोज हमें हॉकाई के बच्चों के भी दिखे, जिसमें लीला, कूपर और नथानियल हैं। लास्ट टाइम हमने इन्हें एंड गेम में देखा था। और हाँ, लीला का कैरेक्टर जो रूसो की बेटी एवा रूसो प्ले कर रही हैं। हॉकाई में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है माया लोपेज या फिर इको, तो इस कैरेक्टर का भी एक फोटो लीक हुआ। वैसे आपको बता दूं, माया लोपेज या फिर इको डेयर डेविल के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा क्लोज है। वैसे डेयर डेविल पे भी एक अपडेट है, लेकिन पहले हॉकाई के सारे अपडेट्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो हॉकाई से सबसे फाइनल अपडेट आया है एक्टर फ्राफी से, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हॉकाई में विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। टू बी एग्जैक्ट, कॉमिक से वो कैजी क्लॉन का रोल प्ले करने वाले हैं। और उन्होंने अपना ये फोटो इंस्टा पे शेयर किया जिसमें वो डीसी के जोकर से ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं। तो हाँ, हो सकता है कि किसी पॉइंट पे हॉकाई में उनका लुक कुछ ऐसा ही हो, क्योंकि उन्होंने इसे पोस्ट करने के 15 मिनट बाद ही इसे डिलीट कर दिया था। मे बी बिकॉज ऑफिशियली उन्हें अलाउ नहीं किया गया हो इस बात को रिवील करने का। लेकिन भाई अब बहुत देर हो चुकी है और स्क्रीनशॉट भी लिया जा चुका है। हाँ, एक और छोटा सा अपडेट है जो अभी मैं मिस कर देता, वो ये कि कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग एक्ट्रेस फ्लोरेंस पग, जो कि ब्लैक विडो में येलिना बेलोवा का रोल प्ले कर रही हैं, वो हॉकाई के शो में भी दिखेंगी। चलो अब बात कर लिया जाए डेयर डेविल का। तो डेयर डेविल का नेटफ्लिक्स का शो कैंसिल हुए अब 2 साल हो चुके हैं और अब लीगली राइट्स नेटफ्लिक्स से वापस मार्वल स्टूडियोज के पास आ चुके हैं। तो हाँ, अब मार्वल स्टूडियोज चाहे तो अपने साइड से भी इस कैरेक्टर पे मूवी या शो बना सकता है। वैसे डेयर डेविल के फैंस का डिमांड ये है कि जो भी हो, लेकिन इस शो के एक्टर्स को रिप्लेस नहीं किया जाए, जिसे यार मैं भी एग्री करता हूँ। डेयर डेविल में सारे एक्टर्स की कास्टिंग, एक्टिंग और शो की स्टोरी सब कुछ परफेक्ट था। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट जरूर करना। आगे एक छोटा सा अपडेट है डीसी से। तो बहुत पहले ये अनाउंस हुआ था कि डीसी न्यू गॉड्स पे एक मूवी बनाने वाले हैं, लेकिन उसके बाद उसका कोई अपडेट नहीं आया था। लेकिन रिसेंटली डायरेक्टर एवा ड्यूवर्नी ने कंफर्म कर दिया है कि द न्यू गॉड्स भी अभी डेवलपमेंट में है एंड इस पे काम चल रहा है। फिर थैनोस को लेकर एक फैक्ट ऑफिशियली रिवील किया गया, जो कि मार्वल स्टूडियोज ने खुद किया है और कंफर्म किया है कि हाँ, थैनोस एटर्नल्स के स्पेशीज में से ही एक है। वैसे ये बात हम लोगों को कॉमिक से पहले ही पता चल चुकी थी, लेकिन अब जाकर इसे एमसीयू के लिए भी कंफर्म कर दिया गया। तो हाँ, अगर एटर्नल्स के मूवी में थैनोस का कुछ रेफरेंस मिल जाए तो सरप्राइज नहीं होना। नेक्स्ट, थॉर लव एंड थंडर से नैटली पोर्टमैन ने ये कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी में थॉर अपने मस्कुलर फॉर्म में दिखेगा, एंड गेम के जैसे नहीं। एंड क्रिस हेम्सवर्थ के रिसेंट फोटो से भी ऐसा ही लग रहा है कि भाई पहले से भी ज्यादा मस्कुलर दिखने वाला है थॉर। आगे फिर से डीसी की एक नई मूवी का अपडेट ये आया है और रिवील हुआ है कि डीसी अब प्लास्टिक मैन के कैरेक्टर पे भी एक मूवी डेवलप कर रहे हैं एंड इसमें लीड में एक फीमेल कैरेक्टर रहेगी। एंड अब सबसे फाइनली आते हैं ब्लैक पैंथर 2 पे और इसके कैंसिल होने वाले एक मेजर कंट्रोवर्सी पे। तो हुआ क्या कि शूरी का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस लेटिशिया राइट ने एक वीडियो अपने ट्विटर पे शेयर किया, जिसमें ये मेंशन था कि क्यों किसी को कोविड-19 का वैक्सीन नहीं लेना चाहिए।
और इसी के बाद बहुत हंगामा हुआ। जब ये हंगामा शांत भी नहीं हुआ था तो उसी के बीच उन्होंने एक ट्वीट लाइक किया जिसमें ये लिखा था कि कैंसिल ब्लैक पैंथर 2। फिर हंगामे पे और हंगामा होने लगा। उसके बाद उन्होंने कुछ और ट्वीट लाइक किए। एक में लिखा था कि लेटिशिया राइट को किसी और एक्ट्रेस से रिप्लेस कर दिया जाए। फिर कुछ लोग ये भी बोलने लगे थे कि नेक्स्ट ब्लैक पैंथर माइकल बी जॉर्डन को होना चाहिए, और लेटिशिया राइट ने इन सब ट्वीट्स को लाइक किया। तो प्रॉब्लम बस यहीं पे हो गई कि वैक्सीन के अगेंस्ट पोस्ट करने के बाद उन्होंने माफी मांगने या एक्सप्लेनेशन देने की जगह उन्होंने ऐसे ऐसे ट्वीट्स को लाइक किया और रिप्लाई करने लगी। एंड फैंस ने अब डिमांड करना चालू कर दिया कि लेटिशिया राइट को ब्लैक पैंथर 2 से हटाया जाए, सिंस वो ब्लैक पैंथर 2 के कैंसिलेशन को सपोर्ट करती हैं एंड एंटी वैक्सीन कॉन्स्पिरेसी को भी सपोर्ट कर रही हैं। अब जब इतना सब कुछ हंगामा हो गया था तो उन्होंने एक ट्वीट करके एक्सप्लेन किया कि उन्होंने वीडियो क्यों शेयर किया था। उनका इंटेंशन बस इतना था कि जो कोविड के वैक्सीन आ रहे हैं उनमें क्या होगा हम लोगों को नहीं पता, हम लोग वैक्सीन के नाम पे अपने बॉडी में क्या डालेंगे ये हमें पता होना चाहिए। वैसे उन्होंने अपने वीडियो शेयर करने का रीजन तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ब्लैक पैंथर 2 के कैंसिलेशन वाले ट्वीट्स को क्यों लाइक किया ये उन्होंने एक्सप्लेन अभी तक नहीं किया था, जिसके चलते उन्हें बहुत ज्यादा बैकलैश मिलने लगे। और फिर क्या, जैसे हर सेलिब्रिटी करते हैं, इसके बाद उन्होंने अपना सारा सोशल मीडिया अकाउंट ही डिलीट कर दिया है। अब यार सच कहूं तो मैं यहां अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना चाहूंगा, आप लोग को क्या लगता है कमेंट में बताना, क्या उनका बिहेवियर सही था या नहीं कमेंट जरूर करना। तो यार बस यही थे इस वीक के अपडेट्स, होप्स हो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड कुछ मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करना। जथुरा और जुमानजी कैसे कनेक्टेड हैं ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और पिछले वीक का नर्डी न्यूज देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।